बताइए कौन बच्चा मुझे बता सकता है। चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में आप। यार इसमें एन को 3 लेंगे क्या? एन, यस चलो सर। मैं पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूं, आप पहले इसको बताओ, फिर दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके सर। ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, पहले आप इसको सोचो क्या करो। शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n, n plus 2, n plus 4 is divisible by 3। इसके बारे में सोचिए। लामिया बताइए बच्चे क्या करेंगे इसमें। सर 2 मिनट में बस ही कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए बेटे, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मेंशन होना चाहिए। जी बेटे, show that one and only one of n n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is a positive integer। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो सब बच्चे जरा ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अब ये तभी क्वेश्चंस होते हैं बेटे, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जब आपको अपने चैप्टर का बहुत अच्छे से, ठीक है, जिसे कहना चाहिए कॉन्सेप्ट मालूम। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने लिया था ए, और हमने प्रूफ किया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2q और 2q+1। ये आप सब बच्चों को मालूम होगा। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि 2q इज इवन एंड 2q+1 इज ऑड, ये हमने किया भी, एग्जांपल 2 है आपकी बुक में। या मैं आपसे ये कहूं, जो मैंने सबसे शुरू में कहा था, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो आइदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और इट इज लीविंग ए रिमाइंडर 1। तो अगर डिविजिबल बाय 2 है बेटे, तो वो 2q होता है, और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वो 2q+1 होता है। इन द सेम केस, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास जो फॉर्म आएगी बेटे, वो आएगी 3q, 3q+1 एंड 3q+2। अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, देन योर पॉजिटिव इंटीजर विल बी 4q, 4q+1, 4q+2 एंड 4q+3। यस और नो, ये बात अब समझ में आ रही है, जो मैं ऑर्डर बना रहा हूँ? यस सर। बेटे 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर 0 बेटे इस केस में, या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, 1 इस केस में। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आइदर रिमाइंडर इज 0, आइदर रिमाइंडर इज 1, आइदर रिमाइंडर इज 2। 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 3। सेम वे आप 5, 6, 7 ले सकते हो या नहीं ले सकते, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूंगा बेटे अब कि सपोज करो हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म क्या आएगी? दैट विल बी 5q, 5q+1, 5q+2, 5q+3, 5q+4। ठीक है, अब ये आती है फॉर्म। अब इसको दूसरे फॉर्म में समझो, दूसरे फॉर्म में क्या समझो, कि अगर आपके पास बेटे 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, इफ यू हैव 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स,
तो उनमें से एक इवन होता है एक ऑड होता है, यानी कि टू से डिविजिबल होगा, ठीक है? बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म वन ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय टू. इन कॉन्सिक्यूटिव थ्री टर्म्स वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, ये नहीं कि तीनों ही होंगे, ओनली वन ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय थ्री. इफ वी हैव फोर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वन ऑफ देम विल बी डिविजिबल बाय फोर. In five consecutive term, one of them, only one of them will be divisible by five. आप कोई से भी two numbers लिख लीजिए consecutive. आपने suppose करो mention किया 30, 31. Then 30 is divisible by two. आपने suppose करो लिखा 30, 31, 32. One of them will be divisible by three. आपने लिखा 30, 31, 32, 33. Only one of them will be divisible by four. आपने मेंशन किया बेटे 30, 31, 32, 33, 34. These are five consecutive terms. So one of them only will be divisible by five. अब इसको प्रूव करा रहा है. क्वेश्चन में हमारे पास तो ये हमारे पास फॉर्म्स होती हैं. अब क्वेश्चन देखो. Show that one and only one of n plus two, n plus four is divisible by three. तो ये हमारे पास है. तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटे, तो हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम यहां से स्टार्ट करते हैं. उसने मेंशन क्या किया है? हियर इट इज गिवन एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर. शफी अब देखो बेटा, आप जो कह रहे थे क्या हम एन को थ्री लेंगे या कुछ और लेंगे, तो यहां हमें जो यूज करना है वो थ्री को ही यूज करना है. तो हम क्या लिखेंगे? देखो आप एक लाइन लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा. हम ये सपोज करेंगे, वी नो दैट, थ्री को इन्वॉल्व करके लिखना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री क्यू प्लस वन और 3q plus 2. In this question, the number is mentioned 3. तो we are taking जो 3 से start होते हैं terms को. अगर यहाँ 4 होता तो 4 से start, अगर 5 होता तो 5 से start, 6 होता तो 6 से start. क्या सब बच्चों को ये line समझ में आ गई कि मैंने ये line क्यों लिखी है? Yes sir. बेटे सब बच्चे जो भी बिल्कुल क्लास कर रहे हैं प्लीज, मैंने आपसे कहा है बेटे, दोबारा से देख लीजिए, मैंने आपसे कहा है कि हम अपने नंबर्स को इन फॉर्म्स में लिख सकते हैं बेटे. अगर हमें लेना है तो हम इंटीजर को ले सकते हैं 2q 2q plus 1. अगर हमें 3 लेना है तो हम ले सकते हैं 3q 3q plus 1 3q plus 2. अदरवाइज अगर हमारा 4 इन्वॉल्व है तो हम ये वाले नंबर्स ले सकते हैं. अगर 5 इन्वॉल्व है तो ये वाले नंबर ले सकते हैं. बट इन अवर क्वेश्चन 3 इज इन्वॉल्व, तो वी आर सिलेक्टिंग दिस ऑप्शन. समझ में आ गया या नहीं आया? तो हम क्या कह रहे हैं, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म्स हैं, ए के फॉर्म है बेटे, ए के फॉर्म. कि ए को आप 2q लिखो या 2q प्लस 1 लिखो, 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिखो. तो यहां पे हमने ये लिया है, लेट या वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2. बट हमसे जो कह रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर इज n. पॉजिटिव इंटीजर क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है. तो इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है, the meaning of this is, so n is equals to 3q 3q plus 1, n is equals to 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. ये बस है. तो n की बेटे हमारे पास 3 values आ गई. अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भाई either n is divisible or n plus 2 is divisible और n plus 4 is divisible. ये हमें कह रहा है कि इनमें से सिर्फ एक ही divisible हो, either n और n plus 2 और n plus 4. तो अब आपने n को क्या suppose किया है? n को suppose किया है 3q और या फिर n को suppose किया है 3q plus 1, n को suppose किया है 3q plus 2. तो यहाँ पे अब चेक करना है कि एक ही टर्म divisible है या टू टर्म divisible है या थ्री टर्म. तो अगर हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए हमारे पास है क्या. हमारे पास है बेटे n, n plus 2 and n plus 4. हमें इनमें से सिर्फ ये चेक करना है कि only one of them is divisible by 3. ये चेक करना है, one of them is divisible by 3. तो हम क्या कह रहे हैं? If
फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफ एन इज इक्वल टू थ्री क्यू, एन इज इक्वल टू थ्री क्यू, देन एन इज डिविजिबल बाय थ्री, एंड एन प्लस टू विल बी थ्री क्यू प्लस टू, नॉट डिविजिबल बाय थ्री, एन प्लस फोर मीन्स एन को थ्री क्यू रखना है, ध्यान रखना, थ्री क्यू प्लस फोर नॉट डिविजिबल बाय थ्री। ये वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को या नहीं? यस सर। ठीक है, हमारे पास प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास तीन केस हैं, n, n प्लस टू, n प्लस फोर। एक तो चीजें ये हैं कि भाई हमारे पास हैं तीन केस, n, n प्लस टू, n प्लस फोर। दूसरी बात, फिर n के भी तीन केस हैं, आइदर इट इज थ्री क्यू और थ्री क्यू प्लस वन और थ्री क्यू प्लस टू। तो अगर हमने ये कहा कि n इज इक्वल टू थ्री क्यू, तो n को आपने रखा थ्री क्यू, तो फिर आप रखेंगे थ्री क्यू प्लस टू, फिर आप रखेंगे थ्री क्यू प्लस फोर। इन दिस केस 3q is divisible by, ठीक है, 3, only one of them will be divisible, दूसरा कोई option नहीं है। अगर आप n को 3q plus 1 लेंगे, please ध्यान से देखिए, now if n is equals to 3q plus 1, again हमारे पास ध्यान से देख लीजिए तीन केस हैं, n, n plus 2, n plus 4। तो देखिए, so n is equals to 3q plus 1, not divisible by 3, but अगर n की वैल्यू हम यहां रखें and n plus 2, n plus 2 will be better, 3q plus 1 plus 2 will be 3q plus 3 will be 3 common, q plus 1 divisible by 3, and n plus 4, n ko aap bete 3q plus 1 rakhiye, so 3q plus 1 plus 4, that is 3q plus 5, not divisible, not divisible by 3. तो अगेन वन टर्म हमारे से डिविजिबल हुआ है, एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई थ्री, ठीक है, ये टर्म डिविजिबल बाई थ्री नहीं है, ये टर्म डिविजिबल, तो ओनली वन ऑफ टर्म इज डिविजिबल बाई थ्री। फिर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एन प्लस फोर हो जाए, अगर हमारे पास थ्री क्यू प्लस टू हो जाए, बिठाइए नीचे यार, बता दीजिए, इफ एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू, देन एन इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, एन प्लस टू मीन्स थ्री क्यू प्लस टू प्लस टू, दैट इज थ्री क्यू प्लस फोर, not divisible by 3, n plus 4, 3q plus 2 plus 4, 3q plus 6, 3 is common, q plus 2 is divisible by 3. तो आपके पास क्या आ गया, therefore, ठीक है सर, n, n plus 2, n plus 4, only one of them is divisible by 3. कुछ समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई। दोबारा से इस क्वेश्चन का बेस समझ लीजिए, हो क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन समझिएगा, क्या आपसे कह रहा है, आप ये शो करो कि n
n plus 2, n plus 4. Out of these three, only one of them is divisible by 3. तो हमने क्या कहा कि n जो हो सकता है उसके तीन ऑप्शन है, आइदर 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2. तो आपको करना क्या है, आपको n की जगह 3q यहां रखना है. तो जब आप यहां रखेंगे तो सिर्फ एक ही डिविजिबल होगा, वो कौन सा डिविजिबल होगा, दैट इज n 3q. फिर आपको n को रिप्लेस करना है 3q plus 1 से. तो 3q plus 1 यहां रखिए, 3q plus 1 यहां रखिए, 3q plus 1 यहां रखिए. इन दिस केस 3q n plus 2 वाला टर्म डिविजिबल हो जाएगा, तो अगेन एक ही डिविजिबल होगा. फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रखना है n की जगह 3q plus 2. तो यहां 3q plus 2 रखिए, यहां 3q plus 2 रखिए, यहां 3q plus 2 रखिए. इन दिस केस n plus 4 will be divisible by 3. तो इस तरह से आप चेक करके बताएंगे कि सिर्फ इन तीनों में से एक ही केस ऐसा हो रहा है जब वो 3 से डिविजिबल. सर समझ में आ गया या नहीं आया, जरा इसे पेन से लिखिए, थोड़ा सा खुद से लिखिए तो कुछ कहानी बनेगी. नोट करें बेटा, जरा आगे बढ़ते हैं.